बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा को पढ़ते हैं। आज हम देखते हैं इसमें कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, जिसको मानव सुरक्षा भी कहते हैं, क्या है। आज इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणा वर्तमान की चुनौतियों से संबंधित होती है। और इसमें देखते हैं, मानव सुरक्षा को दो तरह से देखा जा सकता है। अपारंपरिक धारणा को पहला है सुरक्षा की नई चुनौतियां। नई से आप समझ गए होंगे कि नई चुनौतियों के माध्यम से अनेक अनेक तकनीक के द्वारा हम सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में जहां राज्यों द्वारा किए जाने वाले युद्ध को सुरक्षा का मुख्य खतरा माना जाता था, इसके विपरीत वर्तमान में युद्ध के अलावा सुरक्षा के नए नए खतरे सामने आते थे और सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। इसके विपरीत वर्तमान में युद्ध के अलावा सुरक्षा के नए नए खतरे भी सामने आए हैं। और ये खतरे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आतंकवाद, फिर है असंगठित अपराध, दवाओं, हथियारों और नशीली दवाओं व समुद्री व जाली मुद्रा की तस्करी, समुद्री डकैती और साइबर अपराध। ये सब क्या है? सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं। आप लोग आजकल पेपर में भी पढ़ रहे होंगे दवाई के, और सबसे ज्यादा क्या हो रहा, साइबर अपराध हो रहे हैं, जो आपके संचार माध्यम से, जो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। दूसरा है इसका राज्य की संप्रभुता के स्थान पर मानव सुरक्षा पर बल। तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में राज्य की संप्रभुता और उसके क्षेत्र की रक्षा तो मुख्य उद्देश्य है ही, इसके साथ ही साथ मानव की सुरक्षा को भी विशेष स्थान दिया गया है। मानव सुरक्षा की धारणा परंपरागत धारणा से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें मानव सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व भी समाहित है। और इनके द्वारा कौन कौन से मानव को खतरा है, वो है खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, मानव अधिकारों का उल्लंघन। प्राकृतिक आपदाएं मतलब भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती। अब देखते हैं कि सुरक्षा की गैर परंपरागत चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहला है आतंकवाद। बच्चों, आप अभी सब समझदार हो, बड़े हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो, तो आतंकवाद के नाम से ही आपके सामने छवि आ गई होगी। आतंकवाद से आजकल पूरी दुनिया कितनी ज्यादा ग्रसित है, आतंकवाद के ने सबको चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। तो आतंकवाद क्या है? साधारणतः आतंकवाद का अर्थ हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि आतंक उत्पन्न करना और आतंक को उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन या समूह का कोई हाथ तो नहीं है, या वो किसी निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही आतंकवाद को उत्पन्न कर रहा है। यह लक्ष्य धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। और समाज में ऐसे आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः हम आतंकवाद को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आतंकवाद कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक तरीका
आतंकवाद के कारण क्या होते हैं। तो पहला कारण है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आधुनिक आतंकवाद का कारण औपनिवेशिक प्रशासनों में दमनकारी गतिविधियों की प्रतिक्रिया के स्वरूप वहां जन्मे स्वतंत्रता आंदोलन को माना जाता है और सभी देश में स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों को भगाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अपनाया गया था। दूसरा है राष्ट्रीयता की पहचान। उपनिवेशों की समाप्ति की प्रक्रिया में कुछ छोटे छोटे राष्ट्र जो स्वतंत्रता प्राप्त करते चले गए, इन राष्ट्रों में कुछ विशेष जातीयता और धार्मिक समूह में अपनी हितों की रक्षा के लिए अपनी पहचान अलग राष्ट्रों के लिए बनाना चाह रहे थे और इसके लिए वो लगातार संघर्षरत भी रहे और आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए वे प्रेरित और सहायता भी करते थे। जैसे भारत में लगातार पाकिस्तान ऐसी ही कोशिशें कर रहा है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। फिर है इसका तीसरा, राष्ट्रों की राजनीतिक सामरिक एवं आर्थिक हित। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ राष्ट्र और देश अपने राजनीतिक सामरिक और आर्थिक हितों की वृद्धि में विशेष रुचि लेते हैं और एक सुनियोजित तरीके से इसके लिए संघर्षरत हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को करने में बहुत इसकी सहायता भी करते हैं। फिर है सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। आतंकवाद का कारण वहां की राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किसी जातीयता या किसी क्षेत्र विशेष को उपेक्षा करना या उसको जरूरत से अधिक महत्व देना भी है। उनकी समस्याओं का समाधान न करना वहां समुचित विकास के प्रति उत्साहित न होना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना है। फिर है सामरिक दुर्बलता। तो आतंकवाद का सहारा वह समूह लेते हैं जो सामरिक रूप से दुर्बल है। वह समूह आतंकवाद का सहारा लेकर सरकार या विश्व जनमत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपना कार्य करवाने के लिए वो जनमत का सहारा लेकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अब है आतंकवादी गतिविधियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, हत्या करना। आतंकवाद का सबसे पहला कारण है हत्या करना। कुछ नहीं हुआ, हमको अपना जोर दिखाना है, ताकत दिखाना है, बल दिखाना है, तो अगर जो थोड़ा सा हमसे कमजोर है तो उसको जाकर हमने क्या किया, उसकी हत्या कर दी और इसके द्वारा दूसरे लोगों में एक डर पैदा करना। फिर दूसरा है अपहरण और ब्लैकमेल। अपहरण के द्वारा भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और अक्सर आतंकवादी ऐसी हरकतें भी करते हैं कि अपहरण कर लिया और फिर उसके बदले में बहुत बड़ी धनराशि फिरौती की मांग करी। फिर है बम विस्फोट। बम विस्फोट में बहुत सी बम आ जाते हैं जिनमें है इनके द्वारा भी क्या होता है, मानव बम, कुछ जैविक हथियार, कुछ रासायनिक हथियारों का प्रयोग होता है जो कि ज्यादा असरकारक होता है। जैविक हथियार, जैविक बम बहुत ही ज्यादा उसके दुष्परिणाम होते हैं। फिर है आगजनी।
आतंकवाद उन्मूलन के उपाय क्या है? तो आतंकवाद के जन्म का कारण ढूंढना कि आतंकवाद का जन्म मतलब आतंकवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो उस शुरुआत को ढूंढना और उसकी समस्या यदि समाधान करने लायक है तो अति शीघ्र ही जल्दी तुरंत उसको समाधान करना कि आतंकवाद का खत्म किया जाए। दूसरा है आतंकवाद रोकने हेतु कठोर अंतरराष्ट्रीय कानून बनाना। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है बच्चों, ये पूरे विश्व की समस्या है। हर देश इससे आज ग्रसित है, तो इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए कठोर अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता बहुत अधिक है। फिर है आतंकवाद निवारक संयुक्त राष्ट्र सेना का गठन करना। निवारक मतलब उसको खत्म करने के लिए सेना का गठन करना और उसे आतंकवाद को खत्म करने का कार्य सौंपना। फिर है चौथा, आतंकवाद से प्रभावित प्रत्येक राष्ट्र को आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे आतंकवाद को खत्म किया जा सके। इसके बाद है धार्मिक व वैचारिक कट्टरता का निषेध। धार्मिक व वैचारिक कट्टरता का निषेध करके इस समन्वय की भावना का विकास करना। जब धार्मिक और वैचारिक कट्टरता खत्म हो जाएगी तो वो एक हो जाएंगे, उनमें समन्वय हो जाएगा और वहां पर आतंकवाद को खत्म करने में सहायता मिलेगी। अब है भारत में आतंकवादी गतिविधियां कौन कौन सी? तो आतंकवादी दृष्टि में आज जितनी अधिक कष्टप्रद और चिंताजनक स्थिति है, इससे पहले कभी नहीं थी। कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, झारखंड और तमिलनाडु ऐसे प्रदेश हैं जिनमें आतंकवाद के संगठन बहुत अधिक सक्रिय हैं। और 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद भवन में संसद के परिसर को में एक आतंकवादी कार्यवाही करी गई थी, जिसमें संसद भवन को घेर लिया गया था और आतंकवादी कार्यवाही करी गई थी, जिससे पूरा भारत आश्चर्यचकित रह गया था। और इसके जांच के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन, जब राष्ट्रपति से इसकी परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, उसके पश्चात यह कार्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया कि इस आतंकवादी जो हमला किया गया, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बाद एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन जनवरी 2009 में किया गया। बच्चों, आप इसको अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट ही नहीं करना, याद भी करना है।